रामनगर में विदेशी कंपनी वॉलमार्ट की प्रदेश भर में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का विरोध शुरू हो गया है। रामनगर में ये विरोध हुआ है और इसमें व्यापारी सड़कों पर उतर गए हैं। उनका मानना है कि ये वॉलमार्ट नहीं खुलना चाहिए, इसका विरोध पुतला दहन कर जताया गया। व्यवसायिकों का आरोप है कि स्टोर की वजह से छोटे व्यापारियों के कारोबार पर बड़ा असर होगा, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ये उत्तराखंड सरकार ने विदेशी चेन है एक व्यापारी की, वॉलमार्ट अमेरिका की चेन है, उसके लिए यहाँ पर शुरू में उन्होंने तीन शोरूम, तीन मॉल, एक हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून में खोलने की पहले अनुमति दी है। इससे इन तीन मॉलों से हमारे लगभग 20,000 व्यापारी परिवार बर्बाद हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि हमारे 2,000 लोगों को नया रोजगार मिलेगा, उससे जो पुराने 20,000 व्यापारी परिवार हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। हम इन वॉलमार्टों का पूरे प्रदेश स्तर पर आज विरोध किया जा रहा है, पुतले फूंके जा रहे हैं, और अगर तब भी ये उत्तराखंड की सरकार नहीं जागी तो इसका प्रदेशव्यापी और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा और बंद और पुतले फूंके जाएंगे।